रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस कर रहे हैं। आज हम कुछ और मिसालें देखेंगे। आपको पता है कि एक फ्रैक्शन जो है वो एक चीज़ का हिस्सा होता है या किसी ग्रुप का हिस्सा होता है। तो आज हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स अगर हों तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सिम्बल हैं, मुख्तलिफ सिम्बल हैं जिनको ब्रैकेट्स कहते हैं। अगर ब्रैकेट्स के अंदर फ्रैक्शंस हों तो मल्टीप्लिकेशन में हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनको आपस में ज़रब देते हैं, और उसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर फ्रैक्शंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। चले इस एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम 2/3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर 4/5 इंटू 1/3। तो ये असूल हमेशा याद रखें कि पहले हमने शुमार कुनिंदा को ज़रब देनी है, फिर डिनोमिनेटर्स को, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो सिंपलीफाई करना है। तो अब हमने पहले मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, 4 आ गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 5 × 3 = 15, तो ये हमारे पास आ गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/15। हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब उसके बाद हम इसको न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 = 8। हमने 8 ऊपर लिखा, उसके बाद हम इसके जो न्यू डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम एक कॉलम में लिखें 15 × 3 तो हमारे पास 45 आता है। 5 × 3 = 15, एक हमने कैरी किया, 3 में 1 प्लस किया तो 45। तो ये हमारे पास आ गया 8/45। हम इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, इसी तरह अपनी पूरी ज़िंदगी को सुलझाने की बजाय अपनी ज़िंदगी में एक एक करके अच्छी आदतें जमा करते जाएं, फिर एक दिन आपकी सारी अच्छी आदतें ही होंगी। और आपको पता है कि हम ख्वाहिशात हमारी होती हैं जिनमें से हम उनको जिस ख्वाहिश को तरजीह देते हैं वो हमारा इंतखाब बन जाती है और वो हमारे अमल में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें एक पूरा दिन दिया है, अगर हमारी तरजीहात तय ना हो तो ज़िंदगी का अहम या गैर अहम कामों में गुजर जाती है। रेत की मानिश जैसे खाना पीना, गॉसिप गपशप लगाना, टीवी देखना। तो पहले जैसे जार में बड़े पत्थर रख लें, अहम काम ज़िंदगी के कर लें तो गैर अहम काम खुद ब खुद हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी आदत है अहम काम पहले करने की आदत डालें। उसके लिए अपनी तरजीहात तय करें। सबसे पहली तरजीह अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना। और अल्लाह से ताल्लुक हम कैसे कायम कर सकते हैं? कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक मैंने कुरान मजीद को आसान फरमाया। तो प्यारे बच्चों, आप खुद से भी तर्जुमे के साथ उर्दू तर्जुमे या जो भी आपको ज़बान समझ आती है उसमें पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला और आसानी पैदा करेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने सॉल्व करना है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें होल नंबर्स भी हैं और फ्रैक्शंस भी हैं, तो क्या आप ट्राई करेंगे इसको खुद से सॉल्व करने की? तो सबसे पहले हम वीडियो यहाँ पे रोकें, इसको खुद से सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीज़ है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपने देखा कि इसमें हमारे पास होल नंबर भी हैं और फ्रैक्शंस भी हैं, तो वो प्रॉब्लम जिसमें होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका पहला स्टेप जो है, हम मिक्स फ्रैक्शन को होल फ्रैक्शंस में तब्दील करेंगे। तो ये हमारे पास 8/3, 11/7 और 2/7 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 7/7 से कट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 11/2 रह जाएगा। अब हम इसको भी मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 जो है वो 4 × 8 के बराबर है, तो हम 2 को काट के लिखेंगे। तो ये हमारे पास होल नंबर 11 आ जाएगा, जिससे हमने 4/3 को मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है कि जब आप होल नंबर को करते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14/3 को अब हम मल्टी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 होल 2/3 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।